पास आ गई हूँ और सयाजी गार्डन के पास, पर जो भी होगा मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और हम लोग चार लोग वेट कर रहे हैं, बाकी लोग का हम लोग वेट कर रहे हैं। ये है काला घोड़ा रेलवे स्टेशन के पास और ये है गार्डन। यहाँ पे हम लोग सभी लोग वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। अभी सावन का महीना चल रहा है, आज है 18 तारीख। तो फ्रेंड्स, नारी शक्ति ग्रुप के तरफ से आज हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेंपल, जहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। बोलते हैं ना, नारी तुम अकेले नहीं हो, बस सबकी साथ की ज़रूरत है और सोच बदलने की ज़रूरत। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं और काशी विश्वनाथ टेंपल कैसा है, कहाँ है, वो सब शेयर करूँगी। नारी शक्ति ग्रुप में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग बड़ौदा में हैं, तो वो कमेंट्स करके बताइएगा। बस जिनके साथ महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एक हाथ में कलम पकड़ो, एक हाथ में तलवार पकड़ो, बस आगे बढ़ते चलो। नारी डरो नहीं, झुको नहीं, सब एक हो जाओ मिलकर। अगर एक हो जाएंगे तो किसी भी दरिंदों की हिम्मत नहीं होगी जो एक नज़र उठा करके भी देखेगा, क्योंकि हर नारी में दुर्गा लक्ष्मी बाई सब है और साथ में भोलेनाथ की कृपा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही संदेश है हमारे तरफ से। तो बस मंदिर के लिए अब हम लोग निकल गए हैं, पैदल चल रहे हैं। तो सयाजी गार्डन के पास से, ये निकाला घोड़ा के पास से काशी विश्वनाथ अभी टेंपल जा रहे हैं पैदल। और बस भगवान से यही कामना करेंगे कि भगवान सृष्टि की रक्षा करो और बुराइयों का नाश करो। बोलबम बोलबम, हर हर महादेव, हर महादेव, काशी विश्वनाथ टेंपल लाल बाग ब्रिज के पास ही है फ्रेंड्स, बड़ौदा में। तो मंदिर के बाहर फूल वगैरह सब कुछ मिलेगा, फूल बेलपत्र तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ मंदिर अंदर जाएंगे तो बहुत अच्छे से पूजा करने को आपको मिल जाएगा। जल बेलपत्र, गंगा जल, जो भी चढ़ाना है वो आप चढ़ा सकते हैं। पैदल ही है वो तो दुआ भोलेनाथ। काशी विश्वनाथ टेंपल
तो वहाँ जा कर के जल चढ़ा दिए हैं। अब आपको मैं मंदिर घुमा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सब जगह मैं पहले पूजा कर ली, उसके बाद फिर मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि ये मंदिर कहाँ पे है और कैसा है, कहाँ है, ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत आराम से पूजा हुआ, क्योंकि अभी भीड़ नहीं है, संडे का मॉर्निंग है तो भीड़ नहीं है, बहुत आराम से हुआ। जय भोलेनाथ, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ गणेशाय नमः, श्री सोमनाथ महादेवाय नमः। कान्हा जी दिख रहे हैं, ये ऑफिस है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है मंदिर। उधर गैया को चारा देना चाहते हैं या कुछ भी, तो इधर है गौशाला, विश्राम भवन। अब लास्ट में आप लोग को लेकर के आ गई हूँ गौशाला, जहाँ पे गैया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप चारा वगैरह खिला सकते हो, कुछ दान वगैरह देना है तो दान पेटी रखा हुआ है, आप अपने स्वेच्छा से कुछ भी आप दे सकते हो। हर हर महादेव। अब वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि नारी शक्ति ग्रुप को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला और सभी के साथ मिलने जुलने का भी, और साथ में गई महादेव का दर्शन भी की, और सभी लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, जैसे लगा कि मानो कितने समय से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये लगा कि ये हमारी फैमिली है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी रीजन में, तो जो फर्स्ट टाइम आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।